गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू योर लेसन बोली बाय के अब्बास एंड इट इज योर पार्ट 7 एंड द मेन कैरेक्टर इट इज फॉर द क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज बोली। सो टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ बोली अचीव्ड हर एजुकेशन and what kind of behavior was of her family with her, and she was a neglected child, but her teacher made her so bold and courageous to face the problems of the society. She was a considerable child. Now up till now it was happened that her father has given her education in a primary school. Her father gave her admission, and in that school she educated, she achieved her education. फिर उसके बाद उसके पिताजी ने उसकी शादी भी पक्की कर दी एक ओल्ड एज पर्सन के साथ, क्योंकि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स थे, चेचक के डब्बे थे, निशान थे, और उनकी सोच ये थी पेरेंट्स की कि शायद इसकी शादी अब कभी नहीं होगी, कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन दिसंबर के साथ शादी पक्की हुई। और यहाँ पर दिसंबर बारात लेकर आया, जब उसका चेहरा देखा तो उसने उस शादी के लिए मना कर दिया और एक तरह से ब्लैकमेल करने लगा कि 5,000 रुपये अगर देंगे एज अ डाउरी तो मैं ये शादी करूँगा। लेकिन बोली करेजियस गर्ल थी, साहसी लड़की थी, उसने शादी से इनकार कर दिया। घर में सभी उसको ताने मारने लगे कि ये क्या, समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड बोली I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I want. What a shameless girl. We all thought she was a harmless, dumb cow. A hard words in this paragraph. Mean, hateful, contemptible, hateworthy, जब फैमिली में सब उसको परेशान करने लगे तब बोली ने बोलना स्टार्ट किया कि मैंने जो भी फैसला लिया है ना शादी करने का, वो सिर्फ पिताजी आपकी इज्जत के लिए, आपकी इज्जत की भलाई के लिए मैंने फैसला लिया है कि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। मैं एक बार तो तुम्हारी इज्जत के लिए तैयार भी हो गई थी, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार भी हो गई थी, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. लेकिन अब मैं ऐसे नफरत से भरे हुए इंसान से, नफरत के लायक व्यक्ति से, लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। ये कायर व्यक्ति है, इसको मैं अपने पति के रूप में नहीं रखूँगा। I want. मैं कभी नहीं इससे शादी नहीं करूँगी। Sorry. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. तभी एक बूढ़ी महिला कहती है कि कितनी बेशरम लड़की है, हम तो समझते थे ये बिल्कुल गूंगी गाय की तरह, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली।
स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट हियर शी हैज शोन हर करेज और उसने मना कर दिया कि मैं इस विशंबर से शादी नहीं करूंगी। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ टर्म ट्रैवलर कॉप, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, बट नाउ द टर्म कॉप द स्टैम्बलिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। अब भोली ने उस महिला का जवाब, बूढ़ी महिला थी जिसने ये कहा कितनी बेशरम है, उसने भोली ने उसको जवाब देते हुए कहा गुस्से में कि हाँ आंटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुमने तो यही सोचा था ना कि मैं भोली भाली घूंगी लड़की हूँ, गाय की तरह मुझे जहाँ चलाना चाहो वहाँ चला सकते हो, और इसी वजह से तुम मुझे एक ऐसे हार्टलेस क्रीचर के हाथ में सौंप देना चाहते थे, एक निर्दयी व्यक्ति से मेरी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन अब ये घूंगी जो गाय है जिसे तुम स्टैमरिंग फूल लड़खड़ाती हुई बेवकूफ़ समझते थी स्पीकिंग अब बोल सकती है, वी वॉन्ट टू हेयर मोर, क्या तुम्हें और कुछ सुना है, क्या तुम्हें और कुछ सुनना बाकी रह गया है। तो एक तरह से यहाँ पर भोली हर किसी के सवाल का जवाब देने में सक्षम है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार भी हो गई है। अब वो नहीं चाहती, वो समझदार भी है कि क्या सही है क्या गलत है, अब वो क्यों चाहे कि मैं अपने साथ गलत होने दूँ, जबकि वो एक तरह से अपनी फैमिली के सम्मान की वजह से तो तैयार हो गई थी, लेकिन अब क्यों तैयार हो जब कोई अभी से ये हाल कर रहा है तो आगे चलकर क्या हालात बनाएगा। विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, द कंफ्यूज्ड बैंडमैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग। स्टूडेंट हार्ड वर्क स्ट्रक अप मींस प्ले। विशंबरनाथ द ग्रॉसर, तो यहाँ पर ये विशंबरनाथ जो है पंसारी है, एक कहते हैं जनरल स्टोर वाले से, तो वो अपनी पार्टी को लेकर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। जो बैंड्समैन थे, जो बारात आई थी, बैंड बजाने वाले थे, उन्होंने ये समझा कि शायद सेरेमनी फंक्शन कंप्लीट हो गया है, शादी हो गई है, और उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। जिस तरह से जब शादी होती है तो आते हैं तो बारात में बड़े खुशी के साथ नाचते हुए गाते हुए आते हैं, डांस करते हुए आते हैं, बैंड मैन अपने बैंड को बजाते हैं, गाना गाते हैं, और जब निकलते हैं वापस बारात जाती है तो क्लोजिंग सॉन्ग गाया जाता है। उसी तरह से उन्होंने समझा कि शादी पूरी तरह से हो गई है, पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया है, सेरेमनी हो चुकी, और वो अब क्लोजिंग सॉन्ग गाने लगे। रामलाल स्टूड rooted to the ground, his head bowed low, with the weight of grief and shame. रामलाल ऐसे खड़ा का खड़ा रह गया जैसे जमीन पर वो गड़ा का गड़ा रह गया, उसका सिर शर्म की वजह से, दुख की वजह से, शर्म और दुख के बोझ की वजह से वो अपनी आंखें झुकाया, सिर झुकाया। तो यहाँ पर रामलाल को अपने एक इंसल्ट फील हो रही है कि मेरी बेटी ने मेरी इंसल्ट करवा दी। बारात वापस लौटने का मतलब सभी जानते हैं कि किसी परिवार की इज्जत समाज में खराब हो जाना, मगर ऐसा नहीं है। एजुकेटेड आज के टाइम में एजुकेशन का काफ़ी प्रभाव है, देर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द एजुकेशन ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, सो दे कैन कंसिडर, दे कैन थिंक अबाउट देमसेल्व्स। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि भोली भी अपने आप में काफ़ी समझदार हो गई है और समझदारी से उन्होंने काम लिया है, लेकिन यहाँ अनएजुकेटेड फैमिली रिलेटेड पेरेंट्स जो होते हैं उनको अपने सम्मान के सामने कुछ नहीं दिखाई देता। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाउन डाइड डाउन, एवरीवन वाज गॉन, रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल मैरी एवर मैरी यू नाउ,
What shall we do with you? The flames of the sacred fire slowly died down. जो पवित्र अग्नि थी वो भी बुझने लगी, कम होने लगी। सब वहाँ से जो आए थे शादी में, सब लोग जाने लगे एक कर दे। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा और हम तुम्हारा क्या करेंगे। तो यहाँ पर रामलाल को यही एक टेंशन नज़र आ रही है, यही एक चिंता नज़र आ रही है कि अब हमारे समाज में हमारा नाम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि बारात लौट गई और लड़की का घर में रखना एक बोझ मानते हैं पेरेंट्स। मगर यहाँ पर भूली कुछ और समझ रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी कोई बोझ किसी के ऊपर नहीं होगा। लेकिन रामलाल और उसकी वाइफ वो तो उसको बोझ मान रहे हैं कि अब तुमसे कौन शादी करे, तुमने इस तरह से शादी को इग्नोर कर दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इज़न्ट दैट राइट मैम। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, और सुलेखा यानी कि भोली बिल्कुल शांत आवाज में, शांत और स्थिर आवाज में बोली कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके बुढ़ापे में जब आप बूढ़े हो जाऊंगे मैं आपकी और माताजी की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा, isn't that right मैम। क्या मैम मैं सही कह रही हूँ? जो मैम जिन्होंने टीचर ने भोली को पढ़ाया था वो भी वहीं पर थी। तो अपनी मैम से कहते हुए कि एक साहस नज़र आ रहा है दैट भोली इज वेरी गुड चाइल्ड, कि मैं आपकी सेवा करूँगी, कोई ये गलत काम नहीं है। और अपने मैम से कहती है कि क्या मैम मैं गलत कह रही हूँ? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. जिस टीचर ने भोली को पढ़ाया वो कमरे के कोने में खड़ी हुई थी और वो पूरे ड्रामा को देख रही थी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, टीचर ने भी रिप्लाई दिया कि हाँ भोली तुम जो कुछ भी करी हो बिल्कुल सही करी हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें स्कूल में पढ़ाना चाहिए। एक तरह से हम कह सकते हैं ये भी एक धर्म का काम है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज अ लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस। स्टूडेंट्स, मास्टरपीस मास्टरपीस मींस बेस्ट क्रिएशन ऑफ हिज वर्क। तो यहाँ पर भोली के बात का रिप्लाई देते हुए टीचर जो है कहती हैं कि हाँ भोली तुम जो कुछ भी कर रही हो ठीक कर रही हो, और मुस्कुराती हुई आंखों से और उनकी आंखों में एक डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरा संतोष नज़र आ रहा था। जब कभी कोई आर्टिस्ट ऐसा फील करता है कि मैंने कोई काम किया और मेरे काम होने के बाद वो काम पूरी तरह से परफेक्ट है, तो वो अपने आप में उस काम को बेस्ट क्रिएशन मानते हैं, मास्टरपीस मानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भोली की मैम है उन्होंने क्या माना कि मैंने भोली को जिस तरह से एजुकेशन दी तो एक तरीके से भोली को मैंने एक बेस्ट क्रिएशन माना। कैसे बेस्ट क्रिएशन माना टीचर ने? क्योंकि भोली ने जो कुछ भी किया एक बिल्कुल समझदारी के साथ बिल्कुल सही काम था। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखा जा सकता है कि किस तरह से भोली ने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठाई है कि कभी कोई भी इंसान कम नहीं है अगर वो एजुकेटेड है और समझदार है। एजुकेशन भी कई तरह से होती है, घर से भी मिलती है, सोसाइटी से भी मिलती है, स्कूल से भी मिलती है।
तो यहाँ पर भोली को मिली जो एजुकेशन, अभी तक सबके सब उसको एक गूंगी बेवकूफ बच्ची की तरह निगलेक्ट समझते थे, लेकिन वही निगलेक्टेड बच्चा, वही बेवकूफ बच्चा, ना समझ बच्चा आज वाकई में समाज को ये दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मैंने किया है, दैट इज फाइन। और टीचर के सामने भोली उनकी क्या है, एक मास्टरपीस, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द टीचर फॉर द भोली, एज शी हैज गिवन एजुकेशन टू भोली हाउ टू फेस द सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स विच आर स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी, हाउ दे मस्ट बी स्टॉप्ड। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द भोली, शी हैज प्लेड अ वेरी गुड कैरेक्टर, शी हैज डन वेरी नाइसली ईच एंड एवरीथिंग इन द स्टोरी। स्टूडेंट, दिस पार्ट 7 इज कम्प्लीटेड फॉर दिस चैप्टर भोली, एज वेल एज दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू, आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।